नमस्कार, लोकमत खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया वादे पूरे करने का दावा। दिल्ली सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत ना पड़े। दिल्ली के सीएम ने कहा कि जनता टैक्स देती है तो उसे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारी सरकार इस पर काम कर रही है कि अगर कोई बच्चा दिल्ली में पैदा होता है तो उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य का सारा खर्चा दिल्ली सरकार का होगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरे करने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि चाहे वह शिक्षा व्यवस्था हो या मोहल्ला क्लिनिक, सभी मोर्चों पर आम आदमी पार्टी की सरकार सफल साबित हुई है। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन न होने के आरोप लगाए। सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केस मामले से जुड़े रहे बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एम थिप्से ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में न्याय प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं हुआ था। पूर्व जस्टिस अभय एम थिप्से ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा, इस मामले में जिस तरह हाई प्रोफाइल अभियुक्त बरी होने के तरीके, न्याय प्रक्रिया में अनियमितता और गवाहों पर दबाव और सबूतों के साथ छेड़खानी हुई, उससे न्याय प्रक्रिया की विफलता का पता चलता है। गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक में हुई 115 करोड़ की धोखाधड़ी, 6% शेयरों में आई गिरावट। पंजाब नेशनल बैंक ने माना है कि उसकी मुंबई स्थित कुछ शाखाओं में करीब 115 अरब की धोखाधड़ी हुई है। ये खबर आने के बाद पीएनबी के शेयर में 6% की गिरावट आ गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में राष्ट्रीय बैंक पीएनबी के शेयर बाजार आज गिरकर 152 रुपए पर पहुंच गए। पीएनबी के अनुसार उसकी मुंबई स्थित कुछ शाखाओं में जालसाजी वाले और अनाधिकृत लेन देन हुए। बैंक द्वारा नियामक संस्था को दी गई जानकारी में कहा गया कि इस धोखाधड़ी में खाता धारकों की मिलीभगत की भी आशंका है। देश भर में वैलेंटाइंस डे मना रहे लोगों के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों ने खोला मोर्चा। प्यार के त्योहार यानी वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल और अन्य कट्टरपंथी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर हुड़दंग कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं हैदराबाद में भी कट्टरपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर वैलेंटाइंस डे का विरोध किया। चेन्नई में कई लोग वैलेंटाइंस डे के विरोध में सड़क पर उतर आए और वैलेंटाइंस डे को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। वैलेंटाइंस डे पर इंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश वॉरियर की फिल्म का दूसरा टीजर हुआ रिलीज। मलयालम फिल्म ओरू अदाद लव की एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस बीच प्रिया का दूसरा वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें प्रिया अपने को स्टार के साथ क्लास में एक बार फिर आंखें लड़ाती दिख रही हैं। वैलेंटाइंस वीक के दौरान इंटरनेट सेंसेशन बनकर उभरी प्रिया प्रकाश वॉरियर के इस वीडियो को लेकर विवाद खड़ा करने की भी कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में एक मुस्लिम संगठन को गाने के लिरिक्स से आपत्ति होने पर थाने में शिकायत दर्ज होने की खबर है। बहरहाल वैलेंटाइंस डे पर प्रिया वॉरियर की खूबसूरत अदाओं वाले इस वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि 2 दिनों में प्रिया के इंस्टाग्राम पर करीब 30 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। यही नहीं, प्रिया की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम ने ब्लू टिक मार्क के साथ वेरीफाइड भी कर दिया है। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ।